ये है हमारा पर्ल एंड सीक्विन फुट। तो इसका मैं पहले भी एक वीडियो में अपना यूज़ बता चुकी हूँ, उसमें मैंने डोरी का यूज़ किया था अपनी एक शर्ट पे, तो उसी उसके साथ डिज़ाइनिंग बनाया था। अभी आज मैं इसके साथ कैसे हम पर्ल वाली लेस और जो सीक्वेंस होते हैं वो लेस कैसे इससे अटैच कर सकते हैं और अच्छा एक डिज़ाइन बना सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। इंस्टॉल करने के लिए ये अभी बहुत इजी है, तो ये एक पीछे बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये जो पहले वाला हमारा ऑलरेडी फुट था वो रिमूव हो जाएगा और इसको हमने प्लेस करना है। और यहाँ पर हमारी एक लीवर है तो इसको मैंने जस्ट ऊपर करूंगी तो ये ऊपर हो जाएगा और ये इसको इसके नीचे प्लेस कर देगी और ये डन। अब ये फुट हमारा जो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हमारा ये फुट इंस्टॉल हो चुका है, ये पर्ल एंड सीक्विन फुट। तो अभी इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता दूं। तो ये हमारा जो अभी इसका ये स्टिच सेक्टर है इसको हमने जिगजैग पे रखना है। जिगजैग का जो विड्थ होगा वो मैं बताऊंगी जब स्टिच करूंगी तो कितना रखना होगा। और ये हमारा जो लेंथ सेक्टर है उसको मैं 2 पे रखने वाली हूँ। तो अभी मैं ये लेस जो पर्ल इस ये मेरे पास अभी हाफ पर्ल लेस है और ये ऐसे आती है मार्केट में पूरी रोज होती है बड़ी, तो इसको आप एक रो 2 लाइंस और 1 रो जैसे जितना भी चाहिए रिक्वायरमेंट है उतना आप कट कर सकते हैं। तो मैं एक जस्ट आपको सैंपल पीस पे दिखा रही हूँ। तो आपने अभी ये जो हमने रखा था अपना स्टिच सिलेक्टर इसकी जो विड्थ है वो नीडल इस साइड और इस साइड इजीली आनी चाहिए, तो आपने इसके अकॉर्डिंग आपको इसका जो विड्थ रखना होगा अराउंड 4 आप रख सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर लीजिए धीरे धीरे आपने नीडल को हाफ करना है। तो अभी भी ये पर्ल पे स्टिक हो रही है नीडल, तो आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो मैं 5 इसको पूरा ही इसको जो मेरी मैक्सिमम इसकी है ये तो इसको कर लेती हूँ सिलेक्ट। तो अभी हम फिर से देखेंगे तो अभी ये इजीली कवर हो रहा है। तो आपने 3-4 स्टिचेस ऐसे ही लेने हैं मैनुअली। बाद आपने इसको ये पीछे से इसको पकड़ना है और आपने धीरे धीरे इसको मशीन को चलाना है। तो ये जो हमारा फुट है इसके नीचे एक छोटा सा ग्रोव है उसके नीचे से इजीली ये जो हमारे पर्ल्स है वो पास हो रहे हैं। देखिए हमारी जो पर्ल वाली लेस है वो कितनी इजीली मशीन के साथ इसके साथ अटैच हो गई है। तो हमने ये मैंने अभी एक सैंपल दिखाया है, तो आप ऐसे इसको नेक लाइन पे और कहीं और भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। अभी ये देखिए ये जो नेक लाइन पे है हम ऐसे लगा सकते हैं। अभी मैंने ये वैसे ही लगाया है इसको भी जैसे मैंने पहले आपको सैंपल में दिखाया है। इसको बस आपने धीरे धीरे कुछ टर्न करना होगा और बहुत ही धीरे धीरे आपको पेशेंस से ये इसको लगाना होगा। तो अपने हल्का हल्का धीरे धीरे इसको टर्न करना है तो ये इजीली ये मशीन के साथ ये भी हमने इसको लगा लिया है। कितना अच्छा लग रहा है। और आप ऐसे ही एक रो है जैसे मैंने लगाई तो ऐसे ही आप इसको डबल रो ट्रिपल रो ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं।
अभी मैं आपको जो स्पाइरल लेस है जो वो इसके साथ लगाकर दिखाऊंगी। तो इसमें बस सेटिंग्स, ये जो थ्रेड है उस, ये इन दोनों का डिफरेंस यही है कि जो पर हमने बड़ी लेस लगाई थी उसमें हमने जो हमारे फैब्रिक का कलर है वो यूज किया था, और इसमें हम जो सितारा का लेस, इस तरह लेस का जो कलर है इसमें जैसे ब्लैक है तो हम ब्लैक कलर का थ्रेड यूज करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो इतना ही डिफरेंस है दोनों में, और इनकी सेटिंग्स भी आपने वही सेम ही है तो इसको आप मैक्सिमम कर लीजिए। बस इसका यही फंडा है, इतना ही है कि जो इस तारा को पूरा कवर की करे तो उतना आपने, ये मैक्सिमम मैंने अपने जिगजैग जो स्टिच था वो लिया था तो इसमें भी मैंने मैक्सिमम लिया है। और इसमें ये सेम थ्रेड लेने का यही एक कारण है क्योंकि ये जो थ्रेड है इसके ऊपर डेफिनेटली आएगा, तो इसलिए अगर हम ब्लैक थ्रेड ही लेंगे तो इसको वो कवर करेगा और इसमें दिखेगा भी नहीं। तो अभी मैं इसको लगाकर दिखाती हूँ आपको। देखिए ऐसे मैंने अभी ये सितारा लेस लगाया है, तो इसमें जो ब्लैक थ्रेड है इस इन सितारों के ऊपर आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। अगर ये इस कलर का मैं फैब्रिक कलर का ये थ्रेड लेती तो इसके ऊपर आता तो वो अच्छा नहीं दिखता। अभी इसके ऊपर ब्लैक आ रहा है तो ये ऐसे करने से बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमने इस कलर का ही थ्रेड यूज किया हुआ है। तो ऐसे सैंपल मैंने दिखाया है, तो आप ऐसे इसको भी अपनी नेकलाइन पे और जैसे अपने शर्ट शर्ट के चाक होते हैं साइड में तो कहीं पर भी आप, और बाजू पे कहीं पर भी आप डिजाइन कर सकते हैं। जो आपका लेस का कलर है ऐसा ही आपको वो थ्रेड कलर लेना होगा।